आसमान माता बालक जी के में आप लोगों का स्वागत है। आप देख सकते हैं ये हमारे गांव का एंट्री पॉइंट हुआ, जहां से हम लोग अपने गांव की ओर जाते हैं। यहां से स्टार्टिंग पॉइंट रहा, तो यहां से स्टार्टिंग पॉइंट में आपको दिखाना चाहते हैं, काफ़ी साल ये पुराना रोड रहा जो टूट चुका है, तो इसमें हम लोग को पार होने और गुजरने में काफ़ी असुविधा होता है, जिसके चलते हम लोग को ये पॉइंट उठाते हैं अपने मुखिया के सामने। निर्वाचित पंचायत के मुखिया है, उनसे हम अनुरोध करते हैं कि अपने चैनल के माध्यम से देखिएगा, हमारे गाँव का रोड थोड़ा धस चुका है, तो हम देखिए पार होने में थोड़ा दिक्कत हो, जैसे कि साइकिल से गाड़ी से जाइए तो एक साइड रोड गड्ढा हो गया, एक साइड रुक जाए तो उसमें अनबैलेंस हो जाते हैं, तो दिखाने का प्रयास करें आप लोगों को। देखिए हमारे गाँव का रोड कैसा है, देखिए पूरा टूट चुका है, देखिए पूरा सड़ चुका है, देखिए एकदम गिट्टी गिट्टी उखाड़ रहा है, देखिए प्रयास करो, ये काफी बड़ा मुद्दा है। देखिए यहाँ भी उड़ीसा है, यहाँ से आप थोड़ा दस गड्ढा हो गया रोड, बाबू इधर दिखा छोटो, हमने कैमरा मैन निवारण महोत्सव दिखा रहा, थोड़ा दिखा बाबू इधर दिखा सब रोड दिखा, यहाँ से देखिए पूरा दस चुका है, किसी तरह मरम्मत करके चला रहे, देखिए यहाँ पर थोड़ा दूर खाना लग चुका है, और इधर भी दिखा रहे, इधर भी देखिए जो दाया साइड है इधर भी दस चुका है, प्रयास कर रहा हूँ हो चुका है, थोड़ा बहुत जान बचा है इसमें, तो अगर ये डेवलपमेंट होगा तो काफ़ी अच्छा रह जाएगा, क्योंकि हम लोग मुखिया से ध्यान नहीं देता है, जीतने का बाद हो जाता है, लोग गुजारिश करते हैं अपने ब्लॉगिंग चैनल से कि हम लोग गाँव में से समस्या है, तो आप लोग अपने निर्वाचन क्षेत्र में इस तरह फंड से अपना जो गवर्नमेंट का फंड है वो लोग मिलता है पंचायत स्तर में, मुखिया सब को गाँव का विकास करने में उपयोग करें, और फंड सब दिक्कत होता है और परेशानी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर सिंगल रोड है और इसमें हम लोग को बाइक से या साइकिल से जाते हैं या सिंगल जाते हैं, तो काफ़ी दिक्कत होता है, तो कोशिश है ही हमारा कि आप लोग भी जुड़िए हमारे साथ और अपने गांव का घर द्वार का मुद्दा उठाइए जो निर्वाचित मुखिया लोग उनके सामने, क्योंकि उन लोग जीतने के बाद आदम गाँव को भूल जाता है, जैसे गाँव का विकास कौन करेगा, भगवान भरोसे छोड़ देता है, हम लोग अब जागे कोशिश अपने मोबाइल के माध्यम से, अपने सोशल नेटवर्किंग माध्यम से, अपने ब्लॉगिंग यूट्यूब फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टा के आईडी से कि मुखिया लोग को सूचित कराएंगे, क्योंकि आप सुनने से काम नहीं चलेगा, अब आंदोलन और आवाज़ उठाना पड़ेगा अपने हक और अधिकार के लिए, जो अपने वोट देते हैं अपने गांव विकास करने के लिए मुखिया सबको, लेकिन मुखिया सब भूल जाता है।